आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कभी तो अच्छा लगे सब्सक्राइब करें। सच्चा हरत है हरे हरे। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, पुण्यात्मा हो पूछत एक वकील यथा सुनिए, में ज्योतिषी बात हमारी, सज्जन दुर्जन राड भई तब जीतेगा राज में कौन होशियारी। सज्जन हारत दुर्जन जीतत क्योंकि वकील करे तरफदारी, सूर्य कहे सच हारते है जान निर्लज आन मिले नर नारी। हरे हरे सज्जनों, एक वकील था जो भी केस वह हाथ में ले लेता उसमें वह सफल होता था, इसलिए उसके पास बहुत केस आते रहते थे, चाहे केस सच हो या झूठ वे अपने मुवक्किल को जिता देता था। अतः वकील सोचने लगा कि लोग ऐसा कहते आए हैं और मैंने अपने पुरुषों के मुंह से सुना था, सत्यमेव जयति अर्थात सत्य की जीत होती है, परंतु मैं तो प्रत्यक्ष देख रहा हूँ कि सत्य हार जाता है और झूठ जीत जाता है, सत्य जीतता है, ये केवल कहने की बात है मित्रों। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, एक बार उसके पास एक केस आया, उसने वह केस हाथ में लिया, उसे पता लगा कि ये केस बिल्कुल झूठा है। उसने केस हाथ में लिया तो वादी बिल्कुल बेफिक्र हो गया, परंतु वादी अत्यधिक दुर्जन व्यक्ति था और प्रतिवादी सज्जन तथा सत्य मार्ग का अनुगामी वकील। उस केस को हाथ में लेकर मन ही मन पछताने लगा, उसके हृदय में टीस सी उड़ती। किसी कार्य से एक जोशी सज्जन उसके यहाँ आए, उसने बातचीत करते हुए जोशी से पूछ लिया, एक सज्जन पुरुष और दुर्जन पुरुष में झगड़ा हो गया है, दुर्जन ने सज्जन पर केस कर दिया, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि दुर्जन की जीत होगी या सज्जन की। ज्योतिषी बोला, इसमें क्या पूछना है, दुर्जन भले ही झूठा होगा तो भी उसी की जीत होगी। वकील बोला, ऐसा क्यों, जीत तो सत्य की होनी चाहिए। ज्योतिषी बोला, हाँ होना तो ऐसा ही चाहिए, परंतु सत्य का पक्षकार कौन है, झूठ के तो बहुत पक्षकार हैं संसार में, वकील दुर्जन का पक्ष कर रहे हैं तो सत्य को हारना ही पड़ेगा। सत्य तो जीतता है अपने ही बल पर, परंतु झूठ जीतता है नकली सत्य बनकर और उसे चमकदार सत्य का रूप देते हैं। उसके पक्षकार कितने कितने लोग खड़े हैं झूठ को जिताने के लिए। वकील का मस्तक लज्जा से झुक गया। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, शिक्षा भाइयों बहनों, सत्संग प्रेमियों माताओं, सच नर नारी अर्थात जहाँ झूठ का पक्ष लेने वाले मनुष्य होते हैं और जो झूठ का पक्ष लेने में लज्जा का अनुभव नहीं करते, ऐसे मनुष्य को अधिकता हो वहाँ सत्य हार जाता है और संसार की वृद्धि तो सत्य की हार से ही होती है। अतः जिसे भव भ्रमण से भीति हो उसे असत्य का पक्ष नहीं लेना चाहिए। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, सत्संग प्रेमी हो, सब्सक्राइब फ्री है।